मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के 1 अप्रैल फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर वाड्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। निचली अदालत ने वाड्रा को जमानत दी थी। अदालत ने उसी मामले में वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा से भी जवाब मांगा था। ईडी ने उनकी अग्रिम जमानत भी रद्द करने का आग्रह किया है। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एजेंसी वाड्रा को हिरासत में लेना चाहती है क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और निचली अदालत ने मामले की गंभीरता पर विचार नहीं किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा लंदन में संपत्ति खरीदने के मामले में धन शोधन के आरोपी हैं। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विदेश में संदिग्ध संपत्ति और बीकानेर में जमीन खरीदने की जांच चल रही है। लंदन में एक फ्लैट को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि ये फ्लैट मनोज अरोड़ा के बजाय वाड्रा का है। इसे हथियार डीलर संजय भंडारी से 2010 में खरीदा गया था। ईडी इस केस में रॉबर्ट वाड्रा से 7 बार पूछताछ कर चुकी है। वाड्रा पर देश के बाहर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है।